मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ, ये CHR के ओरिजिनल शॉक हैं और ये पुराने खोल के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये अभी चेंज करवाएंगे खरादी से, खरादी के पास जा रहे हैं सामान लेके हुंडा का और साथ ये जेन्युइन ऑयल फिल्टर हुंडा का सिटी गाड़ी के लिए, और ये 12 करोला में भी अभी एक और गाड़ी आई हुई CHR, इसके लिए हमने फ्रंट शॉक बदलने हैं और सस्पेंशन में काम है इसके, तो अभी इस खोल रहे हैं इंशाल्लाह, फिर इसमें आपके साथ अपडेट शेयर करते हैं। और करोला में जो है अभी जो है वो सारा काम हो चुका है, गाड़ी तैयार है, इसका बक्से में सारा इसका काम हुआ है आज सुबह। इसमें सस्पेंशन में हमने बास्ट का एराल्ट जेडलिंग शॉक्स और इसका बक्सा इसका रिपेयर किया है, तो ये इंशाल्लाह गाड़ी तैयार हो चुकी है, अब उस्ताद आ रहे हैं। और ये अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चौधरी ऑटो ऑपरेटर एंड वेलकम विद आवर न्यू ब्लॉग। एक नए ब्लॉग का आगाज़ करते हैं और अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि आज का दिन हमारा खैर खरीद से गुजरे और अल्लाह ताला मेरे रिश्ते हलाल अता फरमाए और अल्लाह ताला मैं आराम से बचाए। तो आज माशाल्लाह सुबह आए हैं जी, काम माशाल्लाह सुबह से स्टार्ट है, काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पर कर चुके हैं, मैं ज़रा काम में बिजी था जिस वजह से ब्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी 3-4 गाड़ियाँ आई हुई हैं, वही आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ सामान भिजवाना था वो सामान भिजवा दिया, और जो गाड़ियाँ अभी खोली हैं इनमें जो काम हो रहा है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो आए चले हमारे। अच्छा जी, ये एक प्रोबॉक्स गाड़ी हमने यहाँ पर ही खोली हुई है, प्रोबॉक्स गाड़ी है, 2003 मॉडल है, इसमें जी टोयोटा का इंजन ऑयल डल रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं, टोयोटा का जेन्युइन इंजन ऑयल पेट्रॉन, और साथ ही ऑयल फिल्टर डाला है, एयर फिल्टर डाला है, सरकारी गाड़ी है, तो ये काम इसमें अभी हो रहा है, ट्विनिंग का काम है सारा। तो ये इधर चल रहा है, इसके अलावा हमारे पास एक प्राडो आई हुई थी माशाल्लाह, इसको चेक करते हैं, हमारे बड़े पुराने कस्टमर हैं ये बैठे हुए, देखते हैं कि सारी मुलाकात करते हैं, आपकी बात भी कराते हैं, और जो गाड़ी में काम है तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा हमने सुबह ये गाड़ी खोली हुई है, इसमें काफ़ी काम था गेयरबॉक्स स्टैंड बॉक्स का, तो वो तो चल रहा है। इसका हमने जी स्टैंड बॉक्स खोला हुआ है, वो हमने खैराती को भिजवाया हुआ है, खैरात वाला जो इसमें बुश वगैरह डालेगा स्टैंड बॉक्स में, इसके अलावा इसमें चमटे के बुश डाले हैं, जेल्टिंग डाले हैं, बास्टर्ड वगैरह डाले हैं, मुख्तलिफ सस्पेंशन का काम इसमें चल रहे हैं, शॉक वगैरह भी चेक कर रहे हैं। तो ये गाड़ी सुबह से हमने खोली हुई है, और मौसम आज फिर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम है, ठंडी हवा चल रही है चारों तरफ, पिछले एक हफ्ते से दो हफ्तों से पिशावर का मौसम बहुत ही सुहाना मौसम है, और टाइमली जो है वो हवा वगैरह चलती है, ठंडी हवा, बारिश भी हो रही है, सुबह भी फजर के टाइम पर माशाल्लाह बहुत तेज़ बारिश होती रही है पिशावर में, ऑयल वगैरह इसमें अभी डल चुका है जी, इंजन हमने स्टार्ट कर दिया, इसमें अभी लीकेज वगैरह चेक करें, कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, वो चेक होगी। ऑयल इसका है पेट्रॉन 2050, ये डाला है, ये 2012 करोला का जो है हमने सस्पेंशन जो खोला हुआ है उसमें हमने ये जेडलिंग डाले हैं, कटबुश हमने डाल दिए हैं, इसको मुकम्मल साफ़ किया है, गंदा होता है बिल्कुल, ये स्टेरिंग बॉक्स कम्प्लीट इसके ऊपर बैठा होता है, ये सस्पेंशन है सारा इस गाड़ी का ही। अच्छा, तो ये हमारे पास ये अभी दो गाड़ियाँ आई हैं माशाल्लाह जी, प्राडो का भी हमने रिसेंटली जो कुछ काम था वो तो काम ज़रा ज़्यादा है, तो वो उनको हमने कल का टाइम दिया है, तो कल या परसों आएंगे इंशाल्लाह फिर काम करेंगे उसमें। और ये सिटी के लिए भी हमने जो है इंजन ऑयल फिल्टर बदलाने हैं, कस्टमर यहाँ बैठे हैं हमारे पास ही, ठीक है ये भी। तो एक हमारे पास 12 मॉडल करोला आई हुई है, अच्छा इनको हम 020 देंगे हुंडा का, और साथ ये जेन्युइन ऑयल फिल्टर हुंडा का सिटी गाड़ी के लिए, और ये 12 करोला में भी अभी ये भी एक साथ मोटर ले गए हैं अपने 2012 करोला के लिए, क्योंकि माशाल्लाह सिटी गाड़ी है जिसमें काम हो रहा है जी। इस होंडा सिटी में हमने अभी इंजन ऑयल डाल दिया है, फिल्टर एयर फिल्टर तमाम काम हो गया, ट्विनिंग इसकी बराबर कर दी है। अभी माशाल्लाह हमारे पास एक और गाड़ी आई हुई CHR, इसके लिए हमने फ्रंट शॉक बदलने हैं और सस्पेंशन में काम है इसके, तो अभी इस खोल रहे हैं इंशाल्लाह, फिर इसमें आपके साथ अपडेट शेयर करते हैं। और करोला में जो है अभी जो है वो सारा काम हो चुका है, गाड़ी तैयार है, इसका बक्से में सारा इसका काम हुआ है आज सुबह। इसमें सस्पेंशन में हमने बास्ट का एराल्ट जेडलिंग शॉक्स और इसका बक्सा इसका रिपेयर किया है, तो ये इंशाल्लाह गाड़ी तैयार हो चुकी है, अब उस्ताद आ रहे हैं और ये CHR में फ्रंट शॉक बदलेंगे, लेदर बदलेंगे और जेडलिंग। तो ये जी CHR का ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है,
ये आप देख सकते हैं कस्टमर खड़े हुए हैं, शॉक्स इनके बदलाने हैं। अब ये ऐसा खोल रहे हैं जिसमें शॉक्स इंशाल्लाह खुलेंगे, के वाई बी के शॉक देंगे हम जापान के वाई बी के, और साथ में ये जेडलिंग भी इनकी गाड़ी के ख़राब है, जेडलिंग चेंज करेंगे, और इसके अलावा कुछ सस्पेंशन में जो भी काम हुआ तो वो भी साथ हम ज़रूर उसको चेक करेंगे और साथ साथ आपको अपडेट्स देते रहेंगे। अच्छा, ये ब्रेक पैड्स भी हैं, ये भी हमने अभी खोला है, तो ब्रेक पैड भी इनकी गाड़ी के बहुत कमज़ोर हैं, तो अभी हम CHR में ये ब्रेक पैड भी साथ डालेंगे। एम के जापान के ब्रेक पैड इन्होंने पसंद किए तो ये इनको करते हैं अभी डिलीवर। इधर ही इनकी गाड़ी माशाल्लाह खुली हुई है, शॉक्स अभी खैरात के पास गए हुए हैं, खैराती जो है वो शॉक डालेगा और उसको इसका स्प्रिंग होता है ऊपर गुटका होता है उसके अंदर फिट मशीन के ज़रिए फिटिंग होती है, तो वो फिटिंग करके खैरात के थ्रू आएगी और फिर इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर लगाने होंगे शॉक्स को। और साथ ये ब्रेक पैड है और साथ ये जेड लिंक है, ये भी साथ चेंज होंगे, तो ये काम माशाल्लाह अभी ज़रा रवाना है। और ये बैठे हैं नुमान भाई हमारे, जो कि जी राइडर हैं, जो हमारे डिलीवरी माशाल्लाह जो पहुँचाते हैं जल्दी, तो ये नुमान दी ग्रेट है। हमारे पास एक प्रीमियम गाड़ी आई हुई जी, उसके लिए बैरिंग मांग रहे हैं। अच्छा, ये सुबह भी हमारे पास आए थे तो ये बैरिंग ले गए थे एक दाना, और अभी एक और साइड का भी ले रहे हैं, चूँकि आवाज़ दोनों साइड पर होगी, सुबह एक साइड का ले गए थे तभी दूसरा बैरिंग भी लेने के लिए आए हैं इस प्रीमियम गाड़ी के लिए। तो ये इनको अभी हम कर देते हैं, जापान का ओरिजिनल ये बैरिंग है। ये आप चेक कर सकते हैं जापान का ओरिजिनल बैरिंग इनको हमने दिया, सुबह भी एक दाना दिया था, अब एक और लेने के लिए आए हैं, तो दूसरा पीस इनको देते हैं इस प्रीमियम गाड़ी के लिए, क्योंकि आवाज़ जो है ये बहुत माइनर सी होती है और डिस्टर्बिंग सी आवाज़ होती है बैरिंग की, तो इसमें आपको अंदाज़ा नहीं हो पाता कि एक साइड है दोनों साइड से आवाज़ है। बाहर उस्ताद तकड़ा हो तो वो जो है कंफर्म कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, उसके लिए इतना आसान नहीं होता, लेकिन इतना मुश्किल काम नहीं है उसके लिए, तो इसलिए हमेशा तकड़ा उस्ताद ही आपको सजेस्ट करना चाहिए अपने काम के लिए, ताकि टाइम का ज़ाया ना हो सके और पर वक्त सही काम हो सके। अच्छा जी, देखें इस CHR में हमने ये फ्रंट शॉक कट करके आ गए खराब से, तो ये फिटिंग हो गई, नए लग चुके हैं माशाल्लाह के वाई की ओरिजिनल, और ये ब्रेक पैड भी लग गए, दर्जिंग भी, तो गाड़ी अभी तैयार हो गई है और इसको इंशाल्लाह अभी फिटिंग करके हम ट्राई करेंगे और फिर आपके साथ शेयर कर लेंगे। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनली CHR भी काम करा के जा चुकी है, बड़े मुतमईन गए हमारे कस्टमर, खुश गए यहाँ से बहुत, और तसलीबख्श काम हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत इस तरह खुशी होती है जब हमारा कस्टमर आते हैं और तसलीबख्श काम होता है और सेटिस्फाइड यहाँ से जाते हैं, तो हमें दिली खुशी होती है, क्योंकि प्रॉफिट और जो लॉस है ये सब अल्लाह के हाथ में है, पैसे इंसान कमा ही लेता है, लेकिन हमारे काम में जब हम सेटिस्फाइड किसी भी कस्टमर को यहाँ से भेजते हैं तो उससे जो हमें दिली सुकून जो मिलता है और जो इत्मीनान हमें मिलता है वो जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये चीज़ जो है हमारे लिए कारोबार के लिए अगले 50 सालों के लिए जो है ये चली जाती है। जैसा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कारोबार पिछले 50 सालों से चल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वजह से कि हमारे बड़ों ने अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम बनाया हुआ, एक अपना जो है एक पहचान बनाई हुई है, तो उसी पहचान को अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगे चलाना है और हमने वो काम करना है जो कि कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड जाए, तो कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेटिस्फाइड चले गए। अभी तकरीबन 5 से 6 बजे का टाइम है और लड़के मेरा भी फारिग हुए हैं जी माशाल्लाह, अभी रोटी के लिए बैठे हैं, अभी मैं आपके साथ इनको शेयर भी करता हूँ। 6 बजे रोटी खा रहे हैं, सुबह से जो है 5-7 गाड़ियाँ उन्होंने खोली हैं और काम किया, और मेरे लड़के ने अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह से डिलीवरी लगातार सुबह से डिलीवरीज कर रहे हैं और पेमेंट्स भी लेके आ रहे हैं, तो मेहनती लड़के हैं और मेहनत का जो फल है वो अल्लाह ताला जो है वो ज़रूर देता है जी। माशाल्लाह बजमात बैठे हुए जी खाने के लिए, अभी मैं पहले ही खा चुका था चूँकि मैं ज़रा सा भूखा था। अच्छा, तो यहाँ पर हम करते हैं अपने ब्लॉग का एंड, क्योंकि फिर मैंने भी वाइंड अप करना है और चलना है, और टाइम तकरीबन 6:30-6:30 बजे का टाइम है, तो अभी आस्ता आस्ता शाम हो रही है, मगरब के अजान थोड़ी देर तक हो जाएगी, तो यहाँ पर हम करते हैं ब्लॉग अपने ब्लॉग को करते हैं एंड, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और इस तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव ब्लॉग के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइमली मिलती रहें। तब तक हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।